तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि यार भाई, अपनी मशीन जो है सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती है। मतलब एयर कैलेंडर के अंदर मैं हाथ जो है उसकी मतलब हवा बंद करनी पड़ती है, तब जाके स्टार्ट होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए रखा है, अगर नहीं देखा है आपने तो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। मशीन को किस तरह से आप, अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई या आपका सेल्फ भारी पड़ रहा है, तो आपको मशीन किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, और वो एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। बार बार मतलब चाबी घुमाने की वो दिक्कत नहीं होगी, बार बार मतलब सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। मतलब एक बार अपने हाथ को मतलब सेल्फ एयर करेंट के अंदर हम हाथ से मतलब उसकी हवा बंद कर देते हैं, और जैसे ही सेल्फ लगाया और हम छोड़ना होता है तो मशीन स्टार्ट हो जाती है। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि यार भाई, मेरी मशीन अभी तक भी स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और मेरी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो छोटी सी जानकारी है गाइस, वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को मतलब जैसे भी से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि यार मशीन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है अभी गर्मियों के दिनों में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो में आपको मतलब दो तीन चीज़ें बताऊंगा ऐसी, जिससे कि आप मतलब नए भाई हैं उनको मतलब ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो नए नए बंदे ऑपरेटर अभी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनके लिए मतलब ये जानकारी बहुत ही होना ज़रूरी है। ये जानकारी उनके मतलब दिमाग में आना ज़रूरी है कि यार मशीन को किन किन तरीकों से मतलब इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और चलिए आपको मतलब बाहर जाके मतलब पूरी तरह से मतलब समझा देता हूँ मशीन के बारे में, कि स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम किस वजह से आती है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? तो अभी हम बाहर चलते हैं। तो चलिए, तो गाइज पहला क्या होता है कि अपना कई बार सेल्फ भारी पड़ जाता है, जैसे बैटरी वगैरह सारा कंप्लीट है तो सेल्फ भी भारी पड़ जाता है। तो ये अधिकतर मतलब सर्दियों के दिनों में होता है, क्योंकि मशीन पूरा ठंडा रहता है, एकदम से ठंडा हो जाता है, कोल्ड मतलब। तो इसको मतलब स्टार्टिंग करने में सर्दियों के दिनों में, जब इस ये सेल्फ इतना मतलब कमज़ोर हो जाता है सर्दियों के दिनों में, इसका मतलब स्टार्ट नहीं कर पाता है मशीन के इंजन को, तो क्या होता है कि कई बार सेल्फ भारी पड़ने लगता है, और इसके अंदर के जो बुश वगैरह होते हैं वो सारा मतलब कमज़ोर होने की वजह से मशीन को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो आप इजीली यहाँ से ये जो बोल्ट देख रहे हो, यहाँ पर 13 नंबर का बोल्ट पाना लगेगा, तो 13 नंबर के पाने से इन तीन बोल्ट लगे होते हैं गाइस, एक यहाँ पर है, एक नीचे और है, और एक नीचे और भी है, ये यहाँ पर एक उधर की साइड, एक तीन बोल्ट होते हैं, और यहाँ पर 16-17 की गोटी लगेगी, 17 नंबर की, और यहाँ पर 8 नंबर का या 7 नंबर का पाना, 8 नंबर का पाना लगेगा। तो इनको ये पिन तो वैसे छूट जाती है वहाँ पर पाना लगा के, और एक नीचे अर्थिंग मिलाया हुआ है उनको भी मतलब 15 नंबर का पाना लगता है उसके अंदर, तो इजीली खोल देना वो, रिपेयर करवा लो, उसके अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर ये कंप्लीट है तो बैटरी की प्रॉब्लम है, तो हम बैटरी को देखेंगे पहले। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपना जो बैटरी होता है, बैटरी भी थोड़ा सा पुराना होता है, या फिर मतलब लो क्वालिटी बैटरीज भी लगाते हैं कई लोग। क्या करते हैं कि कोई अच्छी कंपनी की बैटरी भी यूज़ नहीं करते, और कोई सी भी कंपनी की लगा देते हैं, जो मतलब से मतलब 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा चलने की उसकी मतलब कैपेसिटी जो होती नहीं है। वैसे ये एक साइड की बैटरी है, और हम एक साइड की बैटरी ही यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर सेकेंड बैटरी है। जब से ये मशीन लेकर हम आए हैं, उसके बाद हमने करीब 3 साल तक बैटरी अच्छे चला था, उसके बाद हमें चेंज करना पड़ा था, क्योंकि यही स्टार्टिंग में जब सर्दी का दिन आते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करने लगती है। तो बैटरी वैसे पुरानी होने के बाद 2-3 साल के अंदर चेंज करनी पड़ती है, अगर एक साइड की बैटरी भी है तो भी 2-3 साल वगैरह, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 से ज़्यादा मतलब चलना मुश्किल है। तो बैटरी की प्रॉब्लम भी होती है कई बार, तो कुछ लोग क्या बैटरी भी पता नहीं कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं, डाल देते हैं, बट उन बैटरी का ज़्यादा चलना संभव होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल तक चलता है, उसके अंदर भी जब लास्ट के अंदर बिल्कुल भी एकदम से ख़त्म हो जाना। ये बैटरी हम कंपनी का बैटरी यूज़ करते हैं कोई अच्छी कंपनी का, जैसे एक्साइड है, तो एकदम से ये बंद नहीं होगा, धीरे धीरे उसके मतलब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम करता है, एकदम से बंद नहीं करेगा पूरा मशीन को, एकदम से स्टार्ट होना ही बंद हो जाती है। कई सारी ऐसी बैटरियाँ हैं जो मतलब एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो एकदम से डाउन हो जाती है कि स्टार्ट होना मुश्किल है, कहीं भी गए हम फंस गए तो
बैटरी गई काम से और स्टार्ट होना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब ये बैटरियाँ हैं धीरे धीरे डाउन होती है, एकदम से जल्दी ये नहीं कहती है कि आप जल्दी से बैटरी डाल दो, लेकिन ऐसा है कि ये धीरे धीरे एकदम से ख़त्म नहीं होती है, धीरे धीरे डाउन होता है। तो यह है इनकी मेन प्रॉब्लम कि कई बार बैटरी भी प्रॉब्लम करता है। अगर अच्छी कंपनी का बैटरी होगा तो आपको मतलब सर्विस अच्छी देगा, और सेल्फ भी आप अगर सेल्फ आपको प्रॉब्लम करता है तो पहले बैटरी को आप चेक करवा लेना। आपको क्या जब आप मैकेनिक को लेके आओगे या मैकेनिक को दिखाने जाओगे मशीन को, तो मतलब 12 से 12:30 तक पॉइंट दिखाता है यहाँ पर, जो उनके पास जो मीटर होता है या स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये 12 से 12:30 का मतलब पॉइंट दिखाता है, तब तक ये बैटरी ठीक है। अगर 12 से 12:30 से कम दिखाता है तो मतलब बैटरी ख़राब है, बैटरी लो हो चुकी है। और अगर ये 12 से 12:30 तक का पॉइंट दिखा देता है मीटर के अंदर, तो आपको मतलब सेल्फ चेक करवाना है। जब भी आप मतलब आपको समझ लेना है कि हमारा बैटरी अपना कंप्लीट है और सेल्फ भारी पड़ता है, तो सेल्फ को मतलब रिपेयर करवा लेना है, उसका मतलब सर्विस करवा लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कई बार बैटरी की प्रॉब्लम होती है। कई लोग बैटरी कंपनी की यूज़ नहीं करते हैं और पता नहीं कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या बैटरी अचानक से ख़राब हो जाती है मतलब, और जो कंपनी की जैसे एक साइड हो गई इस तरह की मतलब बैटरी कंपनी की बैटरी होती है धीरे धीरे लो होती है, एकदम से मतलब पूरा डाउन नहीं होती है, धीरे धीरे डाउन होती है। मुझे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं मशीन चलाते वगैरह हुए, तो मैं मुझे पता है जब तक कि मतलब बैटरी एकदम से ख़राब नहीं होती है, एक साइड की बैटरी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। तो आप मतलब बहुत ही कोशिश आप बैटरी अच्छी कंपनी का डालें, क्योंकि हम जब बैटरी लेते हैं तो ज़्यादा फ़र्क तो होता नहीं है, थोड़े बहुत पैसों का इधर उधर ज़्यादा होता है कंपनी की बैटरी का, पर हमें सर्विस अच्छी मिल जाती है। और अगर इस पोजीशन में अगर आप मतलब जब भी आप मैकेनिक को चेक कराओगे तो आपको मतलब 12 से 12:30 पॉइंट निकालता है जो उनके पास मीटर होता है, अगर वो 12 से 12:30 पॉइंट अगर स्टार्टिंग करते वक्त अगर उसने सही दिखा दिया, तो आप सेल्फ को ही खुलाएं, बैटरी का चेक नहीं कराना। और बैटरी के अंदर आपको हमेशा पानी डालते रहना है, बैटरी का पानी जरूर चेक कर लेना है। और आजकल बैटरियों के अंदर वैसे भी लाइट दी गई है, लाइट की सुविधा भी मिल जाती है हमें, ग्रीन लाइट और रेड लाइट दिखाई जाती है। ग्रीन लाइट के अंदर हम बैटरी की पोजीशन ठीक है, और अगर रेड लाइट आती है बैटरी के अंदर तो बैटरी की प्रॉब्लम भी है, तो इस तरह की मतलब लाइटें भी शो होती है आजकल। और ज़्यादातर केस में सेल्फ भारी पड़ने लगता है, क्योंकि सर्दियों को जैसे मैं इस मशीन की कंडीशन की मैं बात करूँ तो इस मशीन का भी मतलब यही हुआ था, मैंने भी इसका सेल्फ खुला कर जैसे सर्दी ख़त्म हुई तो मैंने इसका सेल्फ खुलाया और रिपेयर करवाया, उसकी सर्विस करवा ली मैंने, ताकि अभी गर्मियों के दिनों में वो जैसे मतलब सर्दी ख़त्म हो चुकी थी तो उसके बाद भी मतलब ये इसको स्टार्ट करते वक्त तो सुबह सुबह इसको एयर कलेंडर को हाथ लगा के मतलब इसकी हवा बंद करनी पड़ती थी, तब जाके स्टार्ट होती थी। तो अब ये स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ को जैसे सेल्फ का कार्य करवाया था तो ठीक है, उसके बाद कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी एयर कलेंडर को। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों जेसीबी से जुड़ी हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।